वेलकम इनटू स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालो बच्चों, टेक इट आउट दिस इंग्लिश ग्रामर बुक, उसमें चैप्टर नंबर 27 पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 27 पेज नंबर 34 निकालो अपनी बुक में। उसमें आपको क्या करना है, कौन सा पहला तो चैप्टर है दिस एंड दोस, क्या है दिस एंड दोस, किस में टी एच ई एस सी दिस लगेगा और किस में टी एच ओ एस सी दोस लगेगा, तो चलो देख लेते हैं। दिस एंड दोस आर यूज्ड विथ नेमिंग वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर मैनी। दिस और दोस्त का हम इस्तेमाल कब करते हैं बच्चों, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ की बारे में बात करते हैं तभी हम दिस और दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दिस एंड दोस इन आवर ब्लैंक्स। देन वी यूज दिस व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नियर बाय। ये टी एच ई एस दिस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई भी चीज़ हमारे पास हो, नज़दीक हो, तो टी एच ई एस ई दिस ब्लैंक्स में वी हैव टू राइट। वॉट एवर थिंग्स आर नियर बाई अस देन वी हैव टू राइट टी एच ई एस ई दिस इन अ ब्लैंक्स। नेक्स्ट, many in a numbers nearby and many in a numbers, we use those when we talk of things which are far away। ये टी ओ डी एच ओ एस ई दोस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कब करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ हमारे से दूर हो, मतलब फार अवे हो। वॉट एवर थिंग्स आर फार अवे फ्रॉम अस देन वी हैव टू यूज टी एच ओ एस ई दोस। ओके, पता चल गया, दिस का इस्तेमाल हम कम करेंगे और दोस का, अगेन आई एम रिपीटिंग टू यू, टी एच ई एस दिस वी हैव टू राइट वेन एवर थिंग्स आर नियर बाय अस एंड मैनी एंड दोस, टी एच ओ एस ई दोस वी हैव टू राइट वेन एवर थिंग्स आर फार अवे फ्रॉम अस एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो मैनी देन वी हैव टू राइट दोस। अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वॉट आर दिस, ये जो चाबियाँ है वो नज़दीक है हमारे पास, नज़दीक बता गया है। यहाँ पर देखो हैंड्स दिया है, हमारे नज़दीक है, तो क्या लिखेंगे, टी ए जी ए सी दिस। वॉट आर दोस, ये एप्पल बहुत दूर है, ये फिंगर्स जो है उससे बहुत दूर है, तो मैंने बताया था ना जो चीज़ हमारे से दूर हो तो क्या आएगा, टी एच ओ एस सी दोस, दोज आर एप्पल्स। फिर क्या है, वॉट आर दिस, ये फिंगर के पास है तो ये क्या है, कैट, नज़दीक है, तो जो चीज़ नज़दीक होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, टी एच ई एस सी दिस, दिस आर किटन्स। फिर वॉट आर दोस, ये बहुत दूर है, ये जो फिंगर बताया है ऐसा किया हुआ है ऐसा, उससे दूर है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, टी एच ओ एस सी दोस। वॉट आर दिस, ये फिंगर के नज़दीक है, तो नज़दीक जब होती है चीज़ तो वॉट वी हैव टू राइट इन ब्लैंक्स, टी एच ई एस ई दिस। वॉट आर दोस, ये जो फिंगर्स बताया है उसने उंगलियाँ उस तरफ दूर तरफ बताई है कि वो क्या है, तो जो चीज़ दूर है उसमें हम क्या लिखेंगे, टी एच ओ एस सी दोस। ओके, दिस और दोस आपको मालूम हो गया, कभी दिस वी हैव टू राइट और दोस वी हैव टू राइट, येस और नो, येस, वेरी गुड। नाउ टेक आउट चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 27 के सामने जो पेज नंबर चैप्टर नंबर 28 है वो निकालो, पेज नंबर 35। चैप्टर नंबर 28 क्या है, हाउ मैनी एंड हाउ मच, हमको कब हाउ मैनी लगाना है और हाउ मच लगाना है, तो लेट्स आई एक्सप्लेन यू। वी यूज़ हाउ मैनी टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स वी कैन काउंट। बच्चों हाउ मैनी हम अब हम लोग कब लिखते हैं कि जो चीज़ हम काउंट कर सकते हो, जो चीज़ हम गिन सकते हैं, वॉट एवर थिंग्स विच वी आर काउंटिंग गिन सकते हैं, उस ब्लैंक्स में हम लिखेंगे हाउ मैनी। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, टू बर्ड्स 10 बर्ड, तो कोई भी बर्ड्स होते हैं बच्चों तो उसको हम गिन सकते हैं या नहीं,
यस हम गिन सकते हैं, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, तो आंसर में क्या आएगा, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन द वास। फ्लावर्स भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पॉट में 5 फ्लावर्स हो तो हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, 1 2 3 4 5, यस वी कैन काउंट, तो आंसर में भी क्या आएगा, हाउ मैनी। वी यूज हाउ मच, अभी हाउ मच कहाँ पर लगाना है, टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, हाउ मच, वॉट एवर थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट बाई अस देन वी हैव टू राइट हाउ मच। जैसे कि एग्जाम्पल में ऑयल वाटर, तेल, जो तेल होता है ऑयल होता है उसको हम गिन सकते हैं, नो देन वी हैव टू राइट हाउ मच। पानी को गिन सकते हैं, नो देन वी हैव टू राइट हाउ मच। ओके तो नीचे की एक्सरसाइज देख लो, उसमें आपको हाउ मच और हाउ मैनी लगाना है। तो जो चीज़ हम गिन सकते हैं, वॉट एवर थिंग्स विच कैन बी काउंटेड देन वी हैव टू राइट हाउ मैनी, और वॉट एवर थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट देन वी हैव टू राइट हाउ मैनी। सपोज अ डैश मिल्क इज देयर इन अ बॉटल, ये बॉटल में दूध भरा हुआ है, तो दूध मिल्क को हम गिन सकते हैं बच्चों, नो तो हाउ मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, हाउ मच। डैश टेबल्स आर देयर इन रूम, टेबल्स है रूम में, तो टेबल तो गिन सकते हैं, 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं, येस और नो, यस, तो ब्लैंक्स में क्या आएगा, हाउ मैनी। नंबर 3, डैश बर्ड्स आर देयर इन ऑन ट्री, ट्री पर बर्ड्स है पिक्चर में देखो, तो बर्ड्स को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हैं, यस तो वी हैव टू राइट हाउ मैनी। डैश बुक्स आर देयर इन बैग, बैग में जो हम बुक्स लेकर आते हो आप स्कूल में, उसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, यस वी कैन काउंट, तो वी हैव टू राइट हाउ मैनी, तो उसमें हम हाउ मैनी लिख सकते हैं। डैश वाटर इज देयर इन अ बास्केट, बकेट, उसमें है पानी भरा है, तो पानी को हम गिन सकते हैं, नो वी कांट काउंट देन वी हैव टू राइट हाउ मच। डैश राइस इन देयर इन अ शेक, ये जो पूरा बैग चावल से भरा है, चावल को हम गिन सकते हैं, नो इट कैन नॉट बी काउंटेबल देन वी हैव टू राइट हाउ मच। डैश गर्ल्स आर एंड देयर इन लाइन, लाइन में कितनी सारी लड़कियां खड़ी है उसको काउंट कर सकते हैं हम, यस तो क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। डैश बटर इज लेफ्ट, बटर को कभी भी गिन नहीं सकते क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, तो वी कांट काउंट देम, तो क्या लिखेंगे हम, हाउ मच। तो वैसे चैप्टर नंबर 27 एंड चैप्टर नंबर 28 यू हैव टू कंप्लीट इन दिस इंग्लिश ग्रामर बुक फ्रॉम PDF। थैंक यू।